अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बखैरियत और आफियत होंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। चूँकि आपके एग्ज़ाम्स की डेट कंफर्म हो गई है, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन और रिवीजन को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि हमें जैसे फोर्थ ईयर के कुछ मल्टी ऐसे और मल्टी लेटर्स के तर्ज के लेक्चर्स हैं, उस तरह के कुछ लेक्चर्स हमें भी प्रोवाइड किए जाएं ताकि हम भी उससे मुस्तफीद हो सकें। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए दो मल्टी एसेज ड्राफ्ट किए हैं और ये दोनों मल्टी एसेज पांच पांच टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक्स हैं। वो कौन से हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी एसे। ये वो क्वेश्चन है जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, जो बोर्ड पैटर्न है सभी में ऐसे ही है कि 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है ऐसे का लिखने के लिए, और जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक हमने इसको ड्राफ्ट किया है और 90% से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो दो पॉजिटिव थीम और नेगेटिव थीम एसेज हैं, मल्टी एसेज, इनमें से ही कोई एक आ जाएगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन टीचर्स होने के नाते हम कभी भी मल्टी ऐसे को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ये शॉर्टकट है और इस तरह से स्टूडेंट्स की प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाती। एजुकेशनल नरिशमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो प्रॉपरली चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते हैं, ये शॉर्टकट होता है। लेकिन इस चीज़ से भी हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस तरह के मुल्की हालात रहे हैं, COVID-19 की वजह से बहुत सारे मामलात ऐसे रहे हैं कि स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि तलीमी इदारे बंद रहे हैं। तो इस वजह से हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स की आसानी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं कि जिससे वो इस शॉर्ट टाइम में बेहतर से बेहतर प्रेपरेशन कर सकें। आज का हमारा जो लेक्चर है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये एक मल्टी ऐसे है जो आपके स्मार्ट सिलेबस के पाँच करंट और सोशल पॉजिटिव थीम टॉपिक्स को कवर करता है जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। वो कौन से हैं वो आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने बीए के स्टूडेंट्स को भी बताता रहा हूँ और आपको भी यही कहूँगा कि आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अक्सर कहा जाता है कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब आप मल्टी ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे हैं या उसको लिख रहे हैं तो उस वक्त आपने अपना दिमाग खुला रखना है। जहाँ पर कोई चीज़ निकालने वाली है वो आपने निकाल देनी है। एडिशन की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसको ड्राफ्ट इस तरह से किया गया है कि 420 वर्ड्स का ऐसे ड्राफ्ट किया गया है। आम तौर पे जो ऐसे आपने लिखना है वो 300 टू 400 वर्ड्स का लिखना है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऊपर लिखने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई लाइन भूल जाती है, कोई पैराग्राफ भूल जाता है, तो उससे आपका ऐसे छोटा ना हो जाए, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। लेकिन इस ऐसे को एज इट इज़ लिख देते हैं, अगर आप इसको ऐसे ही याद करते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते, कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं करते, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ श्योरिटी कि आप 10 से 13 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपकी हैंडराइटिंग पे और आपकी प्रेजेंटेशन पे कि आप किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करते हैं। तो आपके स्मार्ट सिलेबस में जो पाँच एसेज या पाँच टॉपिक्स इस ऐसे में कवर होते हैं वो है टेक्निकल एजुकेशन, Why I Love Pakistan, जो पेट्रियटिज्म के नाम से भी आता है, Women's Place in Our Society, Education for Women, और पांचवा है Importance of Muslim Unity। ऐसे की तरफ चलते हैं। If we peep through the history of mankind, we will come across the fact that the nations that have grown in advancement, technology, education and knowledge have certain virtues, rules, values, codes, ethics and norms in common which compose a peaceful setup of life। अगर हम बनी नो इंसान की तारीख का जायजा लें तो हम पर यह हकीकत आश्कार होगी कि जिन कौमों ने टेक्नोलॉजी, तालीम और इल्म में तरक्की की है उनमें कुछ खास खूबियाँ, कवायद, इकदार, जवाबत, इखलाकियात और असूल मुश्तरक हैं जो पुरअमन ज़िंदगी को तरतीब देते हैं। दीज प्रिंसिपल्स एंड वर्चूज प्रमोट रेगुलरिटी इन द रूटीन ऑफ लाइफ। ये असूल और खूबियाँ
जिंदगी के मामूलात में मुस्तकिल मिजाजी को फरोग देते हैं। डैश इज वन ऑफ सच वैल्यूज दैट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिटरमिन द होल कोर्स ऑफ मैन्स लाइफ। डैश ऐसे इकदार में से एक है जो ब्राह रास्त या बिलवास्ता ही इंसान की जिंदगी के पूरे सफर का तायुन करती है। अच्छा, ये जो डैश है, यहाँ पे आपने जो पांच टॉपिक ऊपर दिए हैं, आप उसको पैट्रियटिज्म ले लें या बाकी जो भी ऊपर पांच हमने बात की है कि जिनको ये कवर करता है, अगर आप उसको इसमें ब्लैंक में रख के देखें तो आप देखेंगे कि ये ऐसा ही लगता है कि ये पैट्रियटिज्म पर ही लिखा गया है या बाकी के जो टॉपिक है उन सबको ये कवर करता है। आगे चलते हैं, उसके बाद एक कोटेशन ऐड की गई है। कोटेशन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, इससे आपके मार्क्स बेहतर होते हैं, जो पेपर चेकर है उसके नज़र में आप एक अच्छे स्टूडेंट समझे जाते हैं और इसका आप बाद में फ़ायदा उठा सकते हैं कि जहाँ पे पेपर चेकर थोड़ा सा डाउटफुल हो कि आपको ज़्यादा मार्क्स दे या कम मार्क्स दे, तो अगर आपका इमेज एक अच्छे स्टूडेंट का बना हुआ है तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स ही देगा। तो कोटेशंस ऐड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा है, लेकिन कभी भी इररेलेवेंट कोटेशन आपने ऐड नहीं करनी। इररेलेवेंट कोटेशन ऐड करने से बेहतर है कि आप ना ऐड करें। तो ये जो कोटेशन है, ये वॉल्ट विटमैन की है, जो एक अमेरिकन शायर है। वो कहते हैं, कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन एंड शेडोज विल फॉल बिहाइंड यू, कि हमेशा धूप का सामना करें और साए आपके पीछे होंगे। ये इसका लफ्जी मतलब है, लेकिन इसके माने ये हैं कि आप मुश्किलात का अगर सामना करते हैं तो जो आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं वो आपके पीछे होंगी, मतलब आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी मुश्किलात के लिए आपको पहला स्टेप लेना ही होगा। लाइफ विदाउट डैश इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। डैश के बगैर जिंदगी उस बहरी जहाज की तरह है जिसका स्टेयरिंग ना हो। अच्छा, स्टेयरिंग नहीं होता बहरी जहाज का, लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। वो आपने देखा होगा कि जो शिप के कैप्टन होते हैं वो एक वो उसको घुमा रहे होते हैं, तो जैसे गाड़ियों के स्टेयरिंग होते हैं कि फौरन ही पहिए घूम जाते हैं, वैसा नहीं होता। उसके नीचे एक प्रॉपर मैकेनिज्म लगा होता है शिप्स का, बहरी जहाज़ों का। वो उसके फ्लैप्स होते हैं, वो उसको घुमाने से फ्लैप्स फिर डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। लेकिन रडर को हमने यहाँ पर स्टेयरिंग ही कह दिया आपकी आसानी के लिए। जस्ट एज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ शिप टू सेल ओवर द सी विदाउट अ रडर, In the same way, it becomes difficult for a person and society to progress without dash. जिस तरह बगैर स्टीयरिंग जहाज को समंदर में चलाना नामुमकिन है, इसी तरह एक शख्स और मुआशरे के लिए डैश के बगैर तरक्की करना मुश्किल हो जाता है। It is dash that helps a country to achieve the new horizons of success. ये डैश ही है जो किसी मुल्क को कामयाबी की नई राहें खोलने या नए उफक छूने में मदद करता है। Our holy prophet, peace be upon him, has set a bright example about dash. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के बारे में एक रोशन मिसाल कायम की है। इस्लाम बीइंग अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ लेज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन अडॉप्टिंग डैश एज सोशल एंड रिलीजियस नॉर्म ऑफ एवरीडे लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात होने की वजह से डैश को रोज़मर्रा जिंदगी के मुआशरती और मजहबी मामूल के तौर पर अपनाने पर जोर देता है। इट कंसीडर्स डैश एज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ डिग्निफाइड प्रॉस्पर एंड सक्सेसफुल सोसाइटी। ये डैश को एक बावकार खुशहाल और कामयाब मुआशरे का बुनियादी अनसर मानता है। However, it is not a child's play to establish such a value at once. Child's play idiom है जो आपने already पढ़ा होगा, तैयारी की होगी इसकी, कि मतलब ये आसान काम नहीं है, आसान काम होना। Child's play, not a child's play, आसान काम होना। ताहम फौरी तौर पर ऐसे इकदार कायम करना आसान काम नहीं है। इसके बाद एक और quotation add की हुई है। First steps are always the hardest. But until they are
taken, the notion of progress remains only a notion and not an achievement. पहले कदम हमेशा सबसे मुश्किल होते हैं, लेकिन जब तक के पहले कदम ना उठा लिए जाएं, उस वक्त तक कामयाबी एक ख्वाब ही रहती है. It is therefore responsibility of every one of us to play our part to inculcate and promote dash in our society. लिहाजा हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुआशरे में डैश को फरोग दे और इसके फरोग के लिए अपना किरदार अदा करे. In order to enhance dash in our country, first we have to bring such social, political and legal reforms in our system that automatically appreciate and encourage the practicing of principles, values and virtues like dash. हमारे मुल्क में डैश को बढ़ाने के लिए पहले हमें अपने मुआशरे में ऐसी मुआशरती, सियासी और कानूनी इस्लाहात लाना होंगी जो खुद ब खुद डैश जैसे असूलों, इकदार और खूबियों की मश्क और हौसला अफजाई करें. सेकंड, गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंट एंड क्रिटिकल रोल एंड मेक आवर लॉज मोर स्ट्रॉन्ग सो दैट द अडॉप्शन ऑफ डैश into the roots of our society and country can be increased. Dusra, hukumat ko apne ahem aur tanqeedi kirdar ko samajhna chahiye aur hamare qawaneen ko mazid mazboot banana chahiye taaki hamare muashre aur mulk mein dash ko apnane mein bunyadi taur par izafa kiya ja sake. Third, it is a moral duty of our media to contribute to create awareness among the people by highlighting the importance of dash. तीसरा, ये हमारे मीडिया का इखलाकी फर्ज है कि वो डैश की अहमियत को उजागर करके लोगों में आगाही पैदा करने में अपना किरदार अदा करें. टू सम अप, वी मे से दैट डैश इज सब्सटेंशियल फॉर द सक्सेस एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ एन इंडिविजुअल एंड द नेशन. खुलासा ये कि हम ये कह सकते हैं कि एक फर्द और कौम दोनों की जिंदगी की कामयाबी और अजमत के लिए डैश को कुलीदी अहमियत हासिल है. Importance of dash is crystal clear and without a single shred of doubt we can say that dash is the discipline for the avenue of life and prosperity and success of a nation. Dash की अहमियत वाजे है और बगैर किसी शको शुबा के हम ये कह सकते हैं कि dash किसी कौम की जिंदगी और खुशहाली और कामयाबी का रास्ता है. तो ये हमारा पॉजिटिव थीम ऐसे है जो पांच टॉपिक्स को कवर करता है. यानी अगर आप पॉजिटिव थीम ऐसे और जो नेक्स्ट लेक्चर में नेगेटिव थीम ऐसे है वो दोनों कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपके स्मार्ट सिलेबस के 10 ऐसेज कवर हो जाते हैं. और आमतौर पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव थीम ऐसे इन दोनों में से एक एक ऐसे आता है, लेकिन अगर इन दोनों में से भी एक आ जाए तो आपके लिए ये आसानी होगी कि आपको दो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे. इसलिए कोशिश करें कि इस ऐसे को और दूसरा जो मल्टी ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में होगा उसकी अच्छी से तैयारी करें और इसकी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स इनका बड़ा ख्याल रखें और एक दो दफ़ा इसको लिख के खुद चेक करें ताकि आपकी इस तरह की कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है आप इतना टाइम सर्फ करके इतना टाइम लगा कर अच्छी तरह से इसको याद करते हैं और फिर स्पेलिंग की गलतियां कर जाते हैं या पंक्चुएशन की गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आपके 4 से 5 नंबर कट जाते हैं. थोड़े टाइम में अच्छी तैयारी के लिए मल्टी एसेस से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, लिहाजा ये दो एसेस तैयार करें, अच्छी तरह से तैयार करें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं. गुड लक फॉर योर फ्यूचर स्टूडेंट्स.